आप एक बात हमको बताइए, मोदी जी इस देश के लिए अच्छा क्या किए? क्या किए? अरे उसने खराबी क्या करा बता? बता रहे हैं ना, इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पहले तो मैं भी सोने के गद्दे पे सो रहा था, पहले तो मैं भी सोने के गद्दे पे सो रहा था। नहीं नहीं, हाँ बता। नहीं ये कह रहे हैं 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, अब क्या 250 रुपए का मिल रहा है? क्या ज्ञानेंगे? जनसंख्या हम बढ़ाएंगे, मोदी जी महंगाई कम करेंगे, ये कौन सा हो गया? तो देश तो सच में लूट लिया मोदी जी ने। कह रहे कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। अरे घंटा नहीं कहता कांग्रेस ने, कुछ भी नहीं कहता भाई साहब। क्या कहता है कांग्रेस ने? जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। इस बात को आप याद रखिएगा साहब। आपकी आप कितने तक पढ़े लिखे हैं? मैं तो ग्रेजुएशन हूँ और अपना बिजनेस कर रहा हूँ। बड़ा बिजनेस कर रहे हैं? अमित शाह सुने सुने ना, अमित शाह का बेटा कितना पढ़ा लिखा हुआ है? वो चाहे कुछ भी ना हो, मेरी बात सुन। देख अगर एक बंदा अच्छा होता तो उसकी खमियाँ 50 बंदे निकालते हैं। लेकिन सुन, अगर ये सारी पार्टियाँ अगर जिम्मेवार होती तो बंदे को गिराने के लिए सारे बंदे उसके पीछे लग गए हैं। मैं खुद अखिलेश के गाँव का हूँ। ये देख मेरा अखिलेश यादव के गाँव। हाँ ये देख भाई, दिखाइए। मामला और बिगड़ गया भाई। ये देख मेरा, ये देख तू आधार, वो देख भैया, देखो इसे वहाँ पे दिखा दो। मैनपुरी लिखा होगा ये रहा कोड वर्ड, सब ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। ये लो ये रखा ओरिजिनल। ए भाई साहब, अखिलेश वाले भाई साहब आ गए। क्या नाम बताया आपने? मेरा शंकी है, शंकी अखिलेश के गांव से। और अखिलेश ने ना, सुन मेरी बात सुन, अखिलेश ने ना कुछ भी नहीं करा। और मेरे गांव के 26 लड़के यूपी पुलिस में अभी लगे हैं। और 0 पैसा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कानपुर में 2 माँ बेटी जल गए, पता है कि नहीं पता है? पहले कोई मरा ही नहीं, नहीं उससे नहीं, उससे पहले कोई मरा ही नहीं। सुन रुक जा, हाथरस कांड हुआ है बाबा योगी के राज में, पता है कि नहीं पता आप लोग? सुन मेरे यहाँ, ये सुन 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 छोटे मेरी बात सुन। गजेंद्र भाई, गजेंद्र ने कहा, सुन गजेंद्र का नाम सुना है? एटा में ना, तू अभी भाई नेट पे डाल, गजेंद्र जहाँ हाथ रख देता ना, ये जगह मेरी है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो गजेंद्र के यहाँ हटवा दे कि ये मेरी जगह नहीं है। और अखिलेश का खास आदमी है, सुन मेरी बात। और अब इस टाइम वो पता क्या, लालटेन लेके ढूंढो ना कहाँ गया, नजर नहीं आ रहा। ऐसे बोलते योगी पाप। सुन पहले बात, मैं उससे बता रहा हूँ ना, अगर आप 1 रुपया कमाओगे भाई साहब, अगर आपकी सेफ नहीं है तो उस कमाने का क्या फ़ायदा? हमारे यहाँ करेल से वो सो जाने में ना बंदा 10 बार सोचता था कि मैंने 2 किलो आलू लिए हैं, घर ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ। अखिलेश राज में बता रहा हूँ मैं, जब मैं छोटा था। अब तू 2 बजे यार, तेरे को कुत्ता भी मिल जाए तब तू बोले भाई साहब क्या कह रहे थे? 6 बजे के बाद साइकिल भी छोड़ा लेते थे। क्या कह रहे अखिलेश के यहाँ, हम भी इटावा से ही हैं। 6 बजे नाम सुधांशु गुप्ता। अखिलेश ने बहुत काम कराया, भैंस से चोरी होगी पूरा पूरा थाना लगवा दिया, इससे ज्यादा क्या काम करवाएंगे? अखिलेश आजम खान ने भैंसों के पीछे पूरी पुलिस लगा दी। आज अखिलेश अभी छोड़िए 10 साल और नहीं आएंगे अखिलेश। अगर बाबा जी बने रहे तो अखिलेश नहीं आएंगे, अखिलेश नहीं आने, नहीं आने और ना आएंगे। बाबा जी अगला प्रधानमंत्री है, योगी अगला। देश की 52% संपत्ति पर सिर्फ 10% अमीरों का हक है, और ग्रामीण क्षेत्रों का भी 50% जो है 10% अमीरों के पास नहीं है, देश की जो संपत्ति है। तो देश तो सच में लूट लिया मोदी जी ने, मोदी के मोहब्बत में देश खोखा हो गया। ये बात तो सही है, मेरा फसल लूटा, तेरा फसल लूटा, ये तो बात सही है। देश को बांट रही है धर्म और जाति के नाम पर। गांधी कहते थे रघुपति राजा राघव राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ही सो तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये गांधी का देश नहीं रहा, ये देश धर्म और जाति के नाम पर बट रहा है। इस देश को बुनियादी सवाल के लिए, देश को बुनियादी सवाल से भटकाया जा रहा है। रोजगार के लिए रोजगार हो गया, देश में नौकरी नहीं है, देश के नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। और एक जब रोजगार की बात होती हो तो नौजवानों को फिर एक नया सगुफा छोड़ते हैं मोदी जी, कभी धीरेन्द्र शास्त्री तो कभी बाबा बागेश्वर तो कभी पंडोकर सरकार। देश के अंदर आज क्या स्थिति है? इस देश के लिए मुसलमानों ने भी अपना योगदान दिया है। हम हिंदू हूँ, गर्व से कहते हैं कि इस देश के अंदर सबका अधिकार है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिहार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th। 11th में? यहाँ पे दिल्ली में क्या घूमने आए? हाँ दिल्ली में घूमने आए हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। अरे कितना असर है इन सब चीज़ों का, जो आपने इतनी बढ़िया बढ़िया सगुफे छोड़े हैं। सबसे पहली बात अंकल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेटा जी आज से 10-15 साल पहले त्रासदी आई थी, कहाँ पे? हिंदुस्तान के अंदर। कहाँ पे आई थी? हिंदुस्तान के अंदर केदारनाथ पे। 22 दिन तक कोई पहुँचा नहीं था,
2 लाख रुपए एक सवारी का लिया था वाड्रा ने, 2 लाख रुपए एक सवारी का, ठीक है बेटा। अब टर्की के अंदर आज से ओके एक मिनट, एक अमित शाह का सेक्रेटरी बन गया, क्या डिग्री अमित शाह के बेटा के पास 20,000 का सेक्रेटरी बन गया? मैं बता रहा हूँ देश कहाँ पे है, देश कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है। 24:12 बजे इन्होंने कहा कि अपनी फोर्स भेज रहे हैं, 3 बजे पहुंच गए हैं। बेटा अभी सुनो, अभी अभी यहाँ से जहाँ खड़े हो ना, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर सहारनपुर हाईवे बन रहा है। पूरे विश्व के अंदर इतनी तेजी से कभी काम नहीं हुआ। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर बस अड्डा ISBT दिल्ली राजधानी के अंदर, यहाँ पे काम ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ से चार कदम पीछे चले जाओ इस दुकान के पीछे। तू एजुकेटेड बंदा है, तुझे धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए, तुझे अपनी आनंद पेड़ी बंदा चाहिए। दुकान है सामने, इधर देखो पीछे, ये राजधानी, ये लाल किला, ये लाल किला, ये इसके पीछे जाके देखो। 2 साल के अंदर बिजनेस और जॉब और तरक्की, हमें क्या चाहिए? जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब किनारों से, इस बात को आप याद रखिएगा साहब। और देश आजादी की बात हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, देश के अंदर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रत्येक घंटा सुनिए तो पहले, प्रत्येक घंटा इस देश के हर एक नौजवान रोजगार के लिए आत्महत्या कर रहा है साहब। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? आपका 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 बच्चे का भविष्य कहाँ जा रही है, कभी सोचा है आप? नहीं सोचे हैं, सोचे ही नहीं है। मेरा बच्चा वकील है, बच्चा मेरा कौन सा डिग्री है, का सेक्रेटरी बन गया, कौन सा डिग्री है, सोचिए साहब। नहीं तो देश अशफाक उल्ला खान की नहीं रहेगी। पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं थोड़े, इंडिया की बात करो ना। हाँ जी, क्या नहीं कह रहा मोदी ने? कह रहे कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। चुपो। हाँ जी, कांग्रेस ने हाँ जी कांग्रेस ने किया है जो किया है। अरे घंटा नहीं कह रहा कांग्रेस ने, कुछ भी नहीं कह रहा भाई साहब। क्या कह रहा है कांग्रेस ने, क्या कह रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है कांग्रेस ने, क्या नहीं किया? क्या कहते हैं IIT, एम्स, ये सब कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं भाई साहब। दिल्ली में देखो ना, क्या क्या नहीं हुआ बताओ। मोदी जी ने क्या नहीं किया? क्या किया है मोदी जी ने? क्या गया आप बता दो ना। कश्मीर में क्या हुआ था? इंडिया हो गया जब, क्या कहाँ गए थे वो कश्मीरी पंडितों पर? क्या हुआ था? अत्याचार हुआ था। अब क्या हो रहा है? वहाँ देख लो ना, मार के किसी को। अब क्या नाम भाई साहब? पिंटू। पिंटू जी, कैसा रहा ये मोदी जी का कार्य? बहुत अच्छा, और आने वाले 2024 में भी बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार आनी है। पूर्ण बहुमत से कहाँ बहुमत, अभी चाचा खड़े थे, भाई खड़े हैं, अभी एक और खड़े थे। ये सिर्फ अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति हैं, कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, कुछ नहीं, कोई LIC कहीं नहीं जा रही, कोई कहीं नहीं जा रहा, ना अडानी ना अंबानी, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब कुछ यही रहना है। अच्छा। मोदी जी ऐसे नहीं है देश को बर्बाद कर देंगे, ऐसे नहीं है वो। तो क्या करेंगे? 2024 में वोट देंगे मोदी जी को। वोट देंगे प्रधानमंत्री फिर से वो बनाएंगे उन्हें। पाए राहुल गांधी घूम रहे हैं इनका। ये जातिवाद की, कौन कह रहा है जातिवाद है? कोई जातिवाद नहीं है, सिर्फ हिंदू जागा है। अच्छा। हिंदू जागा है कि हमारा हिंदुस्तान, ये देश हमारा है हिंदुस्तान। अच्छा। सिर्फ हिंदू जागा है, कुछ नहीं, कोई जातिवाद नहीं है। कहाँ जातिवाद बताइए? उत्तर प्रदेश जाके देखो, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। वहाँ से हूँ, आज एक भी दंगा बता दो आप, 6ठी साल चल रही है सरकार को योगी जी की, एक भी दंगा बता दो वहाँ पे आप, एक भी किसी ने पत्थर मारा हो वहाँ, एक भी पत्थर मारा हो वहाँ किसी ने, आज वहाँ हमारी चप्पल भी नहीं चुड़ सकती उत्तर प्रदेश में, चप्पल भी नहीं चुरा सकता कोई हमारी चप्पल भी। मैं बुलंदशहर से हूँ, और यहाँ जब जाता हूँ ना यहाँ से, तो रात को 12 बजे जाता हूँ मोटरसाइकिल पे, वहाँ से हमारा ना कोई भी मोटरसाइकिल का किसी चीज़ को छेड़ नहीं सकता। नहीं, कहते हैं विपक्ष आरोप लगाता है, राहुल गांधी भी लगाते हैं, इसी लाल किले से मैं सुन रहा था, कह रहे महंगाई है, बेरोजगारी है, अडानी अंबानी को सब कुछ दे दिया, धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया, और आप कह रहे सब कुछ सही है। महंगाई समय समय पर बढ़नी चाहिए। अच्छा। क्या कांग्रेस के टाइम में समय नहीं थी महंगाई? अच्छा। 450 रुपए 500 रुपए का उस टाइम सिलेंडर नहीं था, 70 रुपए पेट्रोल हमने भरवाया 2014 में खुद। बताइए फिर महंगाई कहाँ है, और अब क्या आप क्या है, 2023 चल रही है, बताइए आप।
क्या नाम भाई? आप क्या सिलेंडर 250 रुपए का मिला? नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं सिकंदर हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि सिलेंडर? नहीं, ये कह रहे हैं 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, 410 रुपए। अब क्या 250 रुपए का मिल रहा है क्या? जनसंख्या हम बढ़ाएंगे, मोदी जी महंगाई कम करेंगे, ये कौन सा हो गया?